नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश कुमार पांडे और पेश है बोकारो जिले की साप्ताहिक न्यूज डायरी। अब खबरें आपको मैं विस्तार से बता दूं कि इस सप्ताह विभिन्न घटनाओं में कुल बोकारो जिले में कुल 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि कसमार में वज्रपात से 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि नदी में कपड़ा धोने के क्रम में पिंडाजोरा में 2 महिलाओं की भी मौत होने की खबर है। वहीं पिंडाजोरा के एक सड़क दुर्घटना में 1 बच्चे की भी मौत हो गई, जबकि BSL के रेलवे स्टॉक यार्ड में बीती रात 1 व्यक्ति की क्रेन की चपेट में आकर दबने से उसकी मौत हो गई। वही सिटी थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी एवं बोकारो के सेक्टर 2B में 2 घरों में चोरी की भी खबर प्रतिवेदित की गई है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी बोकारो पहुंचे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ न केवल बैठक की बल्कि अधिकारियों को भी कई आवश्यक निर्देश दिए। जबकि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी पेट्रोवार पहुँचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद न्यायाधीश दंपति ने वृक्षारोपण किया। जबकि बोकारो के उपायुक्त ने कई बैठकें कर विकास की योजनाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश भी अपने अधिकारियों को दिया। इसके अलावा जिला प्रशासन जो है कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और इस सप्ताह जो है 19,500 कुछ लोगों को कोविड का टीका भी दिया गया, जबकि टीका का मार दंश कमी का दंश जो बोकारो जो है अभी भी झेल रहा है। और यहां जो है शहर में उपायुक्त ने अब ऑनलाइन टीकाकरण का निर्देश जारी किया है, जबकि कस्बाई इलाकों में ऑफलाइन टीका करने का भी निर्देश दिया गया है। इन तमाम खबरों के बाद जो आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए हैं उनमें करीब 5 अधिकारियों से शोकॉज भी पूछे गए हैं और उन्हें 1 सप्ताह के अंदर अपना अस्पष्टीकरण भी देने की उपायुक्त ने निर्देश दिया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूँ तो इसी सप्ताह जो है स्वास्थ्य विभाग जो है अपना कई विकास योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया है और इस बार जो है कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग काफ़ी सचेत रहते हुए कई अधिकारियों को निर्देशित करते हुए टीकाकरण केंद्रों पर संख्या बल भी बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। जबकि जिला के अगर सिविल सर्जन की मैं बात करूं तो जिला सिविल सर्जन जो है टीकाकरण केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती करने की भी मांग जिला प्रशासन से की है। बोकारो से दिनेश कुमार पांडे, न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।